नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा फलक के इस नए YouTube चैनल पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगी, आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे जो बेल आइकॉन है आप उसे प्रेस कर दें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और जैसा आप लोग जानते हैं कि फलक एक ऐसा मंच है जहां पढ़ने के शौकीन और लिखने के शौकीन साहित्यिक मंच को, फेसबुक साहित्यिक मंच को बहुत शौक से ज्वाइन करते हैं, बट हमारे जो एडमिन सर हैं उन्हें संतोष नहीं होता है इससे। वो उन्होंने सोचा कि पढ़ने के साथ साथ क्यों नहीं हम लोग कहानियों को सुने भी, क्योंकि बचपन से हम लोग जिस परिवेश में बड़े होते हैं, हम लोग अपनी दादी से नानी से कहानियाँ सुनते थे बचपन में, अभी भी हम लोग उस चीज़ को मिस करते हैं। तो फ़िलहाल आप हमें नानी दादी समझ सकते हैं और हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे YouTube चैनल किस्सा कहानी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तरह तरह की बेहतरीन कहानियों के लिए। तो आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ आपके पास उसका शीर्षक है एक और सवेरा। मेरा नाम मौसमी चंद्रा है और मैं एक राइटर हूँ, पटना की हूँ, और मैं अपनी एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है एक और सवेरा। तो शुरू करते हैं। तुम आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना आदि, बोलते हुए सुमी की नज़रें नीचे झुकी थी। वह देखना नहीं चाह रही थी आदि का रिएक्शन। दो पल की खामोशी रही। सुमी ने धीरे से सर उठाया। आदि की आंखें भरी हुई थी, कंठ में कंपन जैसे विष निगलने की कवायद हो। सुमी को महसूस हुआ कोई उसकी देह दो टुकड़ों में बांट रहा है। आह, तरक उठी वह, पर इस वेदना को दबाना था उसे कुछ भी करके। तुम एक बार मुझे देख कर ये कह दो सुमी, तुम्हारी सौगंध, नहीं करूँगा कभी भी तुम्हें कॉल, आदि ने धीमे स्वर में कहा। सुमी ने नज़रें उठाकर मोबाइल के स्क्रीन पे जमा दी। पहली बार महसूस हुआ कि कितना कठिन होता है झूठ बोलना, और लोग कैसे बोल देते हैं इतनी आसानी से। सुमी ने शरीर की सारी ऊर्जा अपने गले पे लगा दी। कांपते स्वर गूंजे, आदि अब आगे से मुझे कॉल नहीं करना, अगर मुझे खुश देखना चाहते हो तो प्लीज़ मत करना, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। सुमी, चाहो तो मेरी सांसें मांग लो, पर ये मत कहो जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। तुम मेरी जीवन का हिस्सा हो, इस हिस्से को काट कर अलग करना किसी यातना से कम नहीं होगा। प्यार करता हूँ जानते हो ना, कितना ये नहीं पता, बता भी नहीं सकता, बस इतना जान लो कि तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। आवाज में एक याचना थी। सुमी, जिसने एक सुहागन के रूप में जीवन के 8 बरस देखे और वैधव्य के इस रूप को अपनी परिणति मान ली, पर विधाता को क्या मंजूर होता है ये तो वही जाने। 2 साल पहले आदि से मुलाकात और धीरे धीरे कब ये मुलाकात दोस्ती से प्यार में बदल गई, सुमी जान ही नहीं पाई। आदि कब उसके रिक्त कोने में घर कर गया उसे खुद समझ में नहीं आया। उससे 5 वर्ष छोटा पर बहुत ज़्यादा समझदार, उससे समझदारी में 2 गुना। सुमी की खोई मुस्कान लौटने लगी थी, खुशियों को जैसे उसके घर का पता मिल गया था। पर जब से आदि के सहयोगी राघव ने उसे बतलाया कि उसने शादी के लिए अपने आए रिश्तों को ठुकराना शुरू कर दिया है, सुमी चौंक पड़ी।
वजह समझने की ज़रूरत नहीं थी। आदि के साथ खुद को सोचते हुए वो कैसे भूल गई कि वो एक विधवा है जो 7 साल के बच्चे की माँ भी है। नहीं, अब इस रिश्ते पे पूर्ण विराम लगाना ही होगा। रात बेचैनी में कटी पर एक हल्का सा सुकून था कि उसने आदि के जीवन को भटकने से बचा लिया था। सुबह बेटे रौनक को स्कूल ड्रॉप करके वो ऑफिस निकल गई। मीटिंग, प्रेजेंटेशन, ऑफिस वर्क के बीच भी आदि मन के किसी कोने में उदास सा बैठा रहा। मीटिंग के बाद जैसे ही सुमी ने अपना मोबाइल निकाला, 12 मिस कॉल। ओ गॉड, कुछ बस ड्राइवर के, कुछ पड़ोस वाली आंटी के, जिनके यहाँ उनके आने तक रोहन रहता था, वो घबरा गई बुरी तरह। कॉल लगता तो पता चलता। बस से उतरने में रोहन गिर पड़ा था, घुटने और ठोड़ी में चोट आई थी। जब उसने आंटी को फोन किया तो उन्होंने कहा, पर तू परेशान मत हो, अब सब ठीक है, बस तू आ जा जल्दी से। आंटी ने कहा और सुमी ने फोन रख लिया। रास्ते भर रोती रही, अपने आंसू पोंछती रही, कैसे संभाला होगा आंटी ने रोहन को। परंतु जैसे ही वह घर पहुंची, रोहन के सिरहाने आदि को देखा, उसे जवाब मिल गया। तुमने फोन नहीं उठाना तो मैंने ही आदि को फोन कर दिया था। चलो अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और रोहन का भी, कहके आंटी चली गई। सुमी ने सोए हुए रोहन के सर पर प्यार से हाथ सहलाया, आदि की तरफ देखा पर बोल नहीं फूटे। दो लड़ियां आंखों से बहने को बेताब थी। चाय पियोगे? बनाती हूँ, कहकर सुमी उठने लगी। तुम बैठो, मैं बनाता हूँ, आदि ने अपनी हथेली सुमी के कंधे पर थपथपाई। परेशान मत हो सुमी, मैं हूँ और आगे भी रहूँगा, मैंने रात ही यह निश्चय कर लिया था। हाँ, जानता हूँ कि कुछ सवाल होंगे लोगों के, पर कितने दिन? और जानती हो, वे सवाल उतनी तकलीफ नहीं देंगे मुझे जितनी तकलीफ मुझे तुमसे अलग होने का होगा। वो दर्द असहनीय होगा मेरे लिए सुनो, या तो तुमसे शादी करूँगा या किसी से भी नहीं करूँगा। यही फैसला है मेरा, इसे पूरा करने में जो भी रुकावटें आएगी सब दूर करूँगा। आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी। बोलो सुमी, बांटने दोगी ना अपनी जिम्मेदारी मुझे? सुमी उठकर आदि के सीने से लग गई। दोनों की मिली धड़कनों ने एक दूसरे को हाँ बोल दिया था। तो ये थी मेरी कहानी, और फिर से एक गुजारिश कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।